नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 खबरों के साथ। इस वक्त मैं हूं ज्योति सिंह। कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में विकराल रूप लेता जा रहा है। प्रदेश में कुल 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 तो अकेले इंदौर के ही हैं। आज भोपाल एम्स में आई रिपोर्ट में इंदौर में 17 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह इंदौर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 44 हो गई है। कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने इंदौर में 7 दिनों में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया है। वहीं भोपाल में भी चार पहिया वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाते हुए नए और पुराने भोपाल के बीच आवाजाही रोक दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने आपात बैठक बुलाई। इंदौर के संवेदनशील इलाकों के आसपास के क्षेत्रों में कॉन्टैक्ट सर्वे कराया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि करीब 400 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आशंका है कि इनमें से कुछ लोग और पॉजिटिव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी को भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। देश में और हमारे प्रदेश में भी जबलपुर में सारे पेशेंट ठीक हो गए, ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो ठीक हो गया, इसे डरने की जरूरत नहीं है। विगत 2 दिनों से क्वारंटाइन करने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी हमारे पास क्वारंटाइन में लगभग 400 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया है, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और कुछ लोग सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स भी हैं इसमें से। जैसे जैसे हम क्वारंटाइन करते जाएंगे और उसका नतीजा भी दिख गया, ये जो पॉजिटिव आए हैं वो क्वारंटाइन में से ही पॉजिटिव आए हैं। जो जाँच कुछ आधे घंटे 40 मिनट में करनी होती है हम लोगों को, और इमीडिएटली उन लोगों को हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है किसी क्वारंटाइन सेंटर में। ये 17 उसी कैटेगरी के लोग हैं। अभी डिटेल्स आ रहे हैं व्यक्तियों के नाम, तो हम लोग इनकी ये लोग किस घरों में रहते थे, अगर उनके परिवार के कोई सदस्य बच गए होंगे, वो जिससे मिल रहे होंगे, फर्दर फिर उनको क्वारंटाइन हम लोग करेंगे आगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को देखते हुए इंदौर में देश का सबसे सख्त कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। 7 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन होने के बाद राशन, सब्जी, दूध, डेयरी और अन्य किसी भी सामान की बिक्री नहीं हो रही है और ना ही होम डिलीवरी मिल रही है। सारे पेट्रोल पंप हो, दूध की डेयरियां हो या सब्जी के या किराना की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने एक कड़ा जो कदम है वो उठाया है और कहीं ना कहीं ये कवायद तेज की गई है कि जो कोरोना संक्रमण की संख्या है उसको घटाया जाए, इसलिए शहर पूरी तरह से थम गया है। सिर्फ महत्वपूर्ण सुविधाएं ही जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पुलिस, मेडिकल का स्टाफ ही हमें नजर आएगा। इंदौर नगर निगम ने भी शहर के AICTSL ऑफिस के भवन को कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से शहर के हर हिस्से में लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। कंट्रोल रूम से रैपिड रिस्पांस की टीम को जानकारी दी जाती है और डॉक्टर पीड़ित की जांच कर रहे हैं। देखिए, ये कंट्रोल रूम जो पूरे शहर का, पूरे ज़िले का बना हुआ है, वो यहाँ पर AICTSL की बिल्डिंग में बना हुआ है, जिसमें कि लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन के माध्यम से कंट्रोल रूम की जो टीम है, वो जो रैपिड रिस्पांस टीम है, उनको मैसेज करती है और जो भी जिस प्रकार की शिकायत आती है कि कहीं पर किसी व्यक्ति को बीमार, बुखार है, सर्दी है, तो उस वहाँ पर डॉक्टर की टीम जाती है, देखती है और इनको बताती है कि वहाँ पर क्या स्थिति है, फिर उस शिकायत को क्लोज कर दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की चपेट में मरीजों का इलाज कर रहे इंदौर के 2 निजी अस्पताल के डॉक्टर और एक नर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद डॉक्टरों और नर्सों ने ज्यादा संख्या में सुरक्षात्मक उपकरण, कपड़े और अन्य एसेसरीज देने की मांग की है। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त निजी सुरक्षात्मक उपकरण, N95 मास्क, दस्ताने और सुरक्षात्मक गाउन भी हैं। अभी रेड और येलो की जो जोन्स बनाए गए हैं, वो रेड सिर्फ कोरोना या COVID-19 के लिए रहेगा, येलो में जो रहेंगे वो सर्दी के और भी मरीजों को ले सकते हैं, और जो ग्रीन रहेंगे वो अन्य मरीजों के साथ में इमरजेंसी ऑपरेशन भी करेंगे। ये सूची जारी कर दी गई है और उन अस्पतालों को भी सूचित कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर इंदौर पुलिस मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रही है। पुलिस कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका के चलते 1000 पुलिस कर्मियों के लिए अस्थायी निवास बनाए गए हैं।
मुख्तार 1000 के आसपास ऐसे जवानों को, क्योंकि कई बार वो काम करते हुए खुद कब संक्रमित हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। और इसमें प्रारंभिक के बाद द्वितीय चुनौती रहेगी क्योंकि घर के लोग संक्रमित ना हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर ऐसे जवानों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों पर जो कुछ भवन इसके लिए अधिग्रहित किए गए हैं और उन जगहों पर जवान आजकल ड्यूटी करने के बाद जाते हैं और ऐसे लगभग 1000 के आसपास जवान हैं जो इन जगहों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भोपाल शहर को 4 जोन में बांटा गया है। वहीं अब पुराने भोपाल से नए भोपाल में और नए से पुराने भोपाल में लोग पहले की तरह आ जा नहीं सकेंगे। शहर में चार पहिया वाहनों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अपनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शहर के लिए, क्या आप कुछ दिन एकांत में रह नहीं सकते? मेरा आपसे यही निवेदन है कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखो और अगर कहा गया है कि सब कुछ बंद तो घर से बाहर नहीं भी जाके तो चलेगा। सब लोग घर में रहे, स्वस्थ रहे, नियमों का कड़ाई से पालन करें। मध्य प्रदेश में सरकार ने सार्थक नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है। संदिग्ध कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग इस मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इस ऐप में होम क्वारंटाइन व्यक्ति की यूजर आईडी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियां भी चिन्हित की जा सकेंगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर जूझ रहा है और सब उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला ये शहर कोरोना को हर हाल में हराएगा। इंदौर 3 बार स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आया है। आज हमारा प्यारा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कोरोना को हमें हर हालत में हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, इंदौर। तो मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। इंदौर जैसे शहर में एक दिन में 17 मरीजों का पॉजिटिव आना जाहिर सी बात है बड़ी चुनौती की संभावना यहां पर लेकर आ रहा है। हम चर्चा करेंगे, शंकर लालवानी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं। शंकर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंकर जी, इंदौर में 44 केस है, केवल इंदौर शहर की हम बात करें, इतना जागरूक शहर है, स्वच्छता को लेकर इतना जागरूक रहा, कहां ऐसी चूक आपको लगी कि लॉकडाउन के बावजूद एक दिन में 17 मरीज का पॉजिटिव आ जाना जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है। देखिए, बिल्कुल चिंता का विषय है और पूरा इंदौर चिंतित है कि जिस प्रकार इतनी ज्यादा संख्या में यह मरीज पाए गए हैं। शुरुआत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी उसी अनुसार हम लॉकडाउन कर भी रहे थे, लेकिन हमने देखा बीच में लोगों की आवश्यक वस्तुओं के लिए, चाहे किराना हो, सब्जी हो, दूध हो, दवाई हो, इन सब के लिए कुछ समय के लिए खोला था सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक। पर हमने देखा जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, परिवार के साथ आए और सड़कों पर दिखे, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय था। और जिस प्रकार संख्या बढ़ी तो हमने 100% लॉकडाउन की ओर गए। इसमें ज़रूर लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को घर में दूध मिले, दवाई मिले, और जिनको मजदूर हैं, जिनके घर में कोई नहीं है, उनको भोजन के पैकेट दें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंदौर में बहुत चिंताजनक स्थिति है, स्थिति को निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शंकर जी, आप लोगों ने शुरू से ही इसमें कवायद की है, मैं आपसे पहले भी यही पूछी कि कहां पर चूक हुई, क्या जांच नहीं करने लोग पहुंच पाए, क्या जानकारी छुपाई गई, क्या बाहर खुद से आया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे ये संक्रमण फैला होगा। आपको लगता है कि लॉकडाउन का असर नहीं हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है, या कहां पर ये चूक हुई? देखिए, लोगों ने अपनी हिस्ट्री मुझे लगता है बताने में कोई चूक हुई होगी, पर ऐसा कहीं हमें दिखा नहीं कि ऐसी कोई हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री रही हो कि बाहर से जो लोग आए हों उनको ये रहा हो। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड के माध्यम से हुआ है,
क्योंकि इंदौर में जो वायरल हुए उनमें ऐसा कोई भी शख्स ऐसा नहीं दिखा जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही हो, जो बाहर से संक्रमण लेके आया हो। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के संपर्क में आए जिनको ये संक्रमण हो चुका होगा और उसके संपर्क में आने के बाद आए। तो निश्चित तौर पे जब इनके सिम्टम आए और सिम्टम आने के बाद जब हमने टेस्ट करना शुरू किया तो शुरुआती दौर में जिस प्रकार से पेशेंट आए थे और हमको ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये इसी स्टेज पे पहुंच गया है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा तो हमने पूरा उस क्षेत्र को सील कराया। खास करके कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार के मरीज ज़्यादा पाए गए हैं, उन सभी क्षेत्रों को कॉर्नर किया गया है और एक एक घर में अब उसका जाकर पता लगा रहे हैं। और इन सब लोगों को जहाँ से मरीज मिले उनके घर वालों को, उनके आसपास वालों को आइसोलेट जगह पर रखा गया है और उनकी टेस्ट की जा रही है। शंकर जी, जैसा कि आपने कहा कि इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है इसका मतलब ये और ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कम्युनिटी जब ट्रांसमिशन पर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको लगता है कि एक दिन में 17 आए हैं, आगे जो स्थिति खतरनाक हो सकती है उसके लिए किस तरीके की तैयारी है, जाँच से लेकर आइसोलेशन वार्ड से लेकर मेडिकल डॉक्टर्स नर्सेस की जो तैयारी के लिहाज से क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हम अर्ली थर्ड स्टेज पे हो सकते हैं। जिस प्रकार से ये जो जांचें आई हैं, जिस प्रकार से नंबर्स आए हैं, हो सकता है कि इसमें और केसेस मिले ऐसी संभावना लग रही है। उसके लिए हमने सभी इंतजाम किए हैं, यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। स्वास्थ्य विभाग से अलग कंट्रोल की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसमें एक्शन ली जाती है। हेल्थ विभाग का कंट्रोल अलग है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ सभी प्रकार की तैयारियाँ की गई है। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है MI हॉस्पिटल, उसको खाली कराया गया है। उसके अलावा शासकीय अस्पतालों में सभी वो ICU वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे आगे भी हम जा रहे हैं। हमने अभी 2 हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उनको लिया है, पर आने वाले समय में इस हॉस्पिटलों की भी कैटेगरी की है। एक ग्रीन हॉस्पिटल है जिसमें वो पेशेंट रहेंगे जिनको कोई समस्या आ जाती है। जैसे कल ही एक पेशेंट आया जिनकी डिलीवरी उन हॉस्पिटल में थी जहाँ मरीज पाए गए थे। तो निश्चित तौर पे कुछ हॉस्पिटल को ग्रीन किया गया है, कुछ येलो कैटेगरी में जिनको आगे हम टेक ओवर करेंगे, और कुछ रेड में हैं जिनको हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे हैं, शासकीय स्तर पर जो डॉक्टर हैं उनकी छुट्टी कैंसिल की गई, जो पैरामेडिक स्टाफ है वो पूरा अलर्ट है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है कि आसपास के क्षेत्रों से भी कुछ स्टाफ को और बुलाया जाए और डॉक्टरों की कमी नहीं रहे इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बात की खुशी है कि कुछ प्राइवेट डॉक्टरों ने हमसे सहमति ली है कि हम इस सेवा में काम में लगे रहेंगे। जहाँ तक लेबोरेटरी की बात है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी, वहाँ MGM कॉलेज में एक लेबोरेटरी है, लेकिन हमें लगता है कि और भी आवश्यकता पड़ेगी लैब की, पैथोलॉजी लैब की। तो 2 लैब के लिए हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि 2 लैब और यहाँ दी जाए। अभी कुछ इंदौर में टेस्ट हो रहे हैं, कुछ हम भोपाल में टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 1 या 2 लैब की और आवश्यकता पड़ेगी। संभावना है कि 1-2 दिन में हमको पैथोलॉजी लैब की सेंसर मिल जाएगी तो हम सभी सैंपल यहाँ करेंगे। पर जो इक्विपमेंट की जहाँ तक बात करें, इक्विपमेंट सब यहाँ पर है और जो दवाइयों की आवश्यकता है वो भी सब है। उसके अलावा भी आज अभी बेंगलोर से एक फ्लाइट कार्गो से हमने वो सभी चीज़ें मंगाई हैं जो आने वाले समय में आवश्यकता की होगी। ठीक है शंकर जी, चूंकि अब कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, ऐसे में जांच का आधार क्या होगा? क्या ऐसे एरिया जहां पर मरीज ज़्यादा मिले हैं वहां पर से जांच को निकाला जा रहा है लोगों को, या फिर कुछ ऐसी सूची है जिसके आधार पर जांच होगी? क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन है इसका मतलब लोग घर से नहीं निकलेंगे, हमें ही वहां पर पहुंचकर उन्हें बाहर लाना होगा जाँच के लिए। कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, सरकार ने इसको कंप्लीट किया है ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, ऐसे में क्या चुनौती और ज़्यादा बढ़ेगी क्या उन लोगों को बाहर लेकर आने में जाँच? तो किसी आधार पर आप लोगों ने इसको चिन्हित किया है, कैसे कैसे इस पर आगे जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, जहां जो हमें मरीज मिले हैं जिनको ये पॉजिटिव आया है, सबसे पहले हमने उनके परिवार वालों को आइसोलेट किया है और उनकी जांच करा रहे हैं। उसके बाद उसकी केस हिस्ट्री देख रहे हैं वो इन दिनों किन किन से मिले, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जिन जिन से मिले उनकी जानकारी ले रहे हैं और उनकी बारे में मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है।
तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और जिन घरों से मिले उन परिवारों के मकानों के 100 मकान एक तरफ, 100 मकान दूसरी तरफ, 100 मकान सामने, 100 मकान पीछे, इस प्रकार 400 मकानों की पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ पता लगाया जा रहा है कि इन किसी जो वहाँ रह रहे हैं रहवासी, उनमें किसी को इस प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। पूरा एरिया सील कर दिए गए हैं, पर ये देखने में आया है कि लगभग जो केस आए हैं उसमें 75% केसेस हैं जो पर्टिकुलर एरिया से आए हैं, तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और वहाँ हम आगे देख रहे हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा तो मरीज नहीं है, ये पता लगा रहे हैं। शंकर जी, ये ठीक है कि पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पर आप लोगों ने चिन्हांकित किया है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि इंदौर में जो विदेश से आने वाले लोग थे उनके पहुँचने के बाद, उनके छुपाने के बाद ये संक्रमण फैला हो? क्या वो लिस्ट आप लोगों ने देखी, उस आधार पर भी कुछ कार्रवाई की? देखिए, जो विदेश, मैंने बताया कि ट्रेवल जो स्त्री थी उसमें कई ऐसे लोग पाए नहीं गए, पर ये ज़रूर है कि उनके संपर्क में आने से जो लोग यहाँ से बाहर गए थे वो उनके संपर्क में आए और वहाँ से ये शुरुआत हुई है। बिल्कुल, हम कोशिश निकाल रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री हो और वो गई, अभी तक ऐसा कोई जानकारी भी नहीं आया। पर ये ज़रूर है कि मैं आपके माध्यम से जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अगर किसी की ट्रेवल हिस्ट्री हो और किसी प्रकार की हो, कृपया छुपाए नहीं। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार दिल्ली में जो निजामुद्दीन के पास में जो वाक्य हुआ, अब आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि उसमें मध्य प्रदेश में भी 100 लोग आए हुए, 107 लोग जैसे कि जानकारी मिल रही, उसमें कुछ लोग इंदौर भी आए। अब इंदौर में जिनका नाम पता पुलिस प्रशासन ने पता लगाने की कोशिश की तो उनका नाम भी गलत निकला और उनका पता भी गलत निकला, तो ये मुझे लगता है कि जनता को सामने आना पड़ेगा, चाहे किसी वर्ग के हों, ये इंसानियत का मामला है। शंकर जी, 100 लोगों का मामला है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 100 लोग आए हैं, आपके माध्यम से 100 लोग आए हैं, उनमें से कुछ इंदौर के भी हैं। सवाल यहाँ पर यही है, इसके पहले भी जब मैंने पूछा था तो सभी इंदौर के नहीं है, नहीं बाहर के भी हैं, कुछ इंदौर के भी हो सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर जब तमाम सीमाओं को सील किया गया है, नजर रखी जा रही है, फिर ये लोग इतनी आसानी से पहुंच कैसे गए, छुपा के अपने आप को कैसे रख पाए, क्या जानकारी नहीं लग पाई? देखिए, जैसे लॉकडाउन के पहले आए हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद, चूंकि सीमाएं तो सील बाद में हुई, जिस प्रकार से हमने देखा कि इन दिनों में काफ़ी ट्रेवल बस अब सीमाएं सील हो गई हैं, लेकिन उनके दौरान जब वो आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको आगे आना चाहिए समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, क्योंकि उनका परिवार जहां वो रह रहे हैं वो उनका परिवार सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, आसपास के लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, तो उनको आगे लेके आना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। उनको पहचानना क्या मुश्किल होगा शंकर जी? ढूंढ के निकालना, उनको पहचानना, उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन पर रखना, ये भी तो एक मुश्किल की बात लग रही है। अब देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, अभी आपसे बात करने के थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, लेकिन अभी तक उनके पत्ते जो थे वो गलत निकले, नाम गलत निकले, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो वहाँ से आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। मैं फिर से आपके माध्यम से कहूँगा कि समाज के सभी वर्गों से कि अगर ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं हाल ही के दिनों में और इस प्रकार के कुछ लक्षण हो तुरंत सूचना दें। बिल्कुल, और ये बात आपने सही कही है शंकर जी, और लगातार IBC 24 आपसे कह भी रहा है कि ये बीमारी छुपाकर कोई बहुत अच्छा काम आप नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी आप छुपाएंगे, आपके परिवार वाले भी इसकी जद में आएंगे, आपके रिश्तेदार भी इसकी जद में आएंगे, नुकसान खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। शंकर जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल, जो डॉक्टर और नर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ लगातार जो सेवा कर रहा है लोगों की, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने देखा कि एक डॉक्टर और नर्स भी संक्रमण के दायरे में आ गए हैं, ऐसे में डॉक्टर्स के लिए जो पुलिस सेवा में लगी हुई है उनके लिहाज से भी क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने की है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये वो लोग हैं जिस प्रकार देश की लड़ाई में सेना लगती है उसी प्रकार वो आज इस बीमारी की लड़ाई में सबसे आगे डॉक्टर हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए पूरी प्रिकॉशन ली जा रही है, जो जो उनको आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके संपर्क में, पूरा प्रदेश सरकार उनके संपर्क में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ के संघ संगठनों में भी बहुत
मदद की है, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे दूसरे खाद्यान्न के मामले में, पैकेट के मामले में हो। और पुलिस भी एक अच्छा काम कर रही है, पुलिस पूरे जो इस काम में लगे हुए हैं वो पूरे प्रोटेक्ट किट के साथ लगे हुए हैं, और वो अपनी ड्यूटी के बाद घर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है जो वहाँ रहेंगे और वहीं पर फिर ड्यूटी पे आएंगे। तो ये आइसोलेशन उनके लिए भी है, और पैरामेडिक फोर्स जो है, ये डॉक्टर की और नर्स और स्टाफ है, उनके लिए भी है। तो ये बहुत सेवा में लगे हुए हैं, मुझे लगता है इनको हमको सल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की शंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके ही माध्यम से हम यहाँ पर अपील करना चाहेंगे कि डॉक्टर, पुलिस, तमाम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वो तक संक्रमित होकर इलाज कर रहे हैं आप लोगों का, तो क्या आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी नहीं कि अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो थोड़ी जानकारी दे दें, आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास के लोग, आपके राज्य के लोग भी सुरक्षित रहें। अपील हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को दें और लॉकडाउन का जो पालन है वो ज़रूर करें ताकि मरीजों की संख्या ना बढ़े। नमस्कार।